हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कलर का डिज़ाइन बनाकर लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन तीन तीन के मल्टीपल में बना हुआ है और एक्स्ट्रा में हम दो फंदे लेंगे तो डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो आप कोई भी अपना मनपसंद बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर के ऊपर इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन को हम अभी उल्टी तरफ से हैं डिज़ाइन में, सीधी तरफ से डिज़ाइन बन चुका है। ये डिज़ाइन हर दो फंदे में बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए हम पहले बैक साइड से बनाते हैं, फिर सीधी तरफ से बनाएंगे। तो अभी हम बैक साइड में बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। देखिए जो जो फंदे का इधर डिज़ाइन बना हुआ है वो फंदा इधर से उल्टा है। ऊन अपनी तरफ करेंगे तो फंदा उल्टा बना लेंगे, दो फंदा उल्टा। फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा दिख रहा है, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर ऊन इधर करेंगे और ये जो दो है ये उल्टा बनेगा, उल्टा दो उल्टा एक सीधा, पीछे से दो उल्टा और एक सीधा, ये दो उल्टा बना और अब एक सीधा, फिर दो उल्टा है और एक सीधा। दो उल्टा बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार जरूर बना कर ट्राई करिए। एक सीधा, फिर दो उल्टा, एक सीधा, फिर दो उल्टा, एक दो, एक सीधा है, ये सीधा, और लास्ट का एक फंदा है, इसको उल्टा बना लेंगे। देखिए अब सीधी तरफ से पहले फंदे को तो उतार लेंगे, पहले फंदे को उतार लेंगे और एक फंदा ये उल्टा है, एक फंदा जो इधर से आपको सीधा दिखा वो इधर उल्टा है, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब हमारे पास ये दो सीधा है, दो सीधा को पहले पीछे वाले फंदे को, ये जो पीछे है इस दो फंदे में जो ये पीछे फंदा है, इसको बैक साइड से सिलाई डाल के ऐसे, और इसको सीधा बनाएंगे पहले। फिर जो पहले वाला फंदा है इसको भी पीछे से सिलाई डाल के सीधा बनाएंगे। अब जब दो बना लिए, अब इन दोनों फंदों को गिरा देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे करके, फिर ये दो सीधा आ गया जो इधर से दो उल्टा बनाया था, इसको पीछे वाले फंदे को बैक साइड से, ये जो पीछे का फंदा है इस फंदे को पीछे से सिलाई डालना है ऐसे, और सीधा बनाएंगे। फिर इस वाले फंदे में पीछे से डालेंगे और सीधा बना लेंगे, इनको गिरा देंगे। फिर एक उल्टा, फिर दो फंदे का उसी तरह से सीधा बिनना है। पहले पीछे वाले को बनाएंगे, पहले पीछे वाले को बनाएंगे सीधा, उसके बाद पहले वाले को बनाएंगे सीधा, इन दोनों फंदों को गिरा देंगे। एक उल्टा, फिर पीछे पीछे वाले फंदे को हमें पहले बनाना है, पीछे से सिलाई डाल के, ये देखो इनको सीधा बना लेंगे। फिर पहले वाले फंदे को पीछे से सीधा बना लेंगे, दोनों को गिरा देंगे। फिर एक उल्टा, फिर
पीछे वाले फंदे को, ये देखिए पीछे वाले फंदे को पीछे के तरफ से ही सीधा बनाएंगे। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी पीछे से ही बनाएंगे, सीधा गिरा दिया, फिर एक उल्टा, फिर इस दो फंदे को उसी तरह से बिनना है। पहले पीछे से, ये पीछे से पीछे वाले को पहले, उसके बाद पहले वाले को, अब फिर उल्टी तरफ एक उल्टा, फिर ये दो फंदे को बैक साइड से ही सीधा बनाना है, और फिर पहले वाले को इनको भी बैक से ही सीधा बुनना है। गिरा दिया, अब एक फंदा सीधा उल्टा, फिर ऊन पीछे, फिर ये दो फंदों का पीछे से बुनाई, पहले का, अब पीछे वाले का, अब पहले वाले का, अब लास्ट में एक है ये उल्टा। अब हम उल्टी तरफ से जैसे पहले बनाया था उसी तरह से एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब ये दो दो उल्टा है, वही जो इधर से डिजाइन बना है वो इधर से दोनों उल्टा बनेंगे, एक सीधा, इधर से ऐसे ही बनाना है, दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, जो उधर से सीधा बना है दोनों वो इधर से उल्टा, जो उधर से उल्टा है वो इधर से सीधा। इस तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे, सीधा, दो उल्टा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ईजी है बनाना, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये बन भी जाता है, और लेडीज जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन किसी में भी आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छा लगता है ये बन के। बच्चों के फ्रॉक में भी नीचे जो घेर बनाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अब हम सीधी तरफ से थोड़ा और बनाएंगे, एक सीधा दो उल्टा, पीछे से बस प्लेन बुनाई है, दो दो उल्टा एक सीधा, एक सीधा, ये लास्ट का उल्टा। देखिए हम सीधी तरफ, देखिए सीधी तरफ से एक डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ है। अब हम फिर सीधी तरफ से आ गए, तो पहले फंदे को उतारेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, एक फंदा ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, अब ये दो दो सीधा फंदा दिख रहा है, तो सबसे पहले पीछे वाले फंदे को नीचे से बिनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को नीचे से बनेंगे। इस तरह से आप पूरी सिलाई बीनते जाइए, एक उल्टा दो सीधा को पीछे से, फिर उल्टा, और बैक साइड से एक एक सीधा दो उल्टा, इस तरह से आपकी डिजाइन पूरी तैयार हो जाएगी। देखिए बन के कितना अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा है, बहुत हल्का भी लग रहा है, आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।